नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ दर्शन हांगडाले और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फाड़े, जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास, विरोध किया तो सिर पर शराब की बोतल फेंकी। हॉस्टल गर्ल्स ने हाईवे जाम कर दिया। जयपुर में 22 साल की युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। कुछ बदमाश युवती को भी सड़क पर रोककर छेड़खानी कर रहे थे। विरोध किया तो सिर पर शराब की बोतल फेंक दी। इसके बाद हॉस्टल की कई लड़कियां सड़क पर आ उतरी। बारिश के बीच जयपुर भरतपुर हाईवे पर जाम लगा दिया गया। घटना कानोता थाना इलाके में प्रेमनगर पुलिस के पास की शनिवार रात की है। हॉस्टल में रहने वाली एक स्टूडेंट के साथ शनिवार रात करीब 8:30 बजे की है। लाइब्रेरी से पढ़ाई कर हॉस्टल वापस जा रही थी। युवती से छेड़छाड़ और मारपीट की गई। बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनका रास्ता रोका, इसका मोबाइल छीना, उसके कपड़े फाड़े, उसे अपने साथ जबरदस्ती बाइक पर बिठाने का प्रयास कर रहे थे। युवती के चिल्लाने पर बदमाशों ने उसके सिर पर शराब की बोतल मार दी। वह लहूलुहान हो गई। फिर युवती को घायल हालत में छोड़कर बदमाश मौके पर भाग गए। जयपुर में महिला के दोनों पैर काटकर लूटे गए कड़े। सुबह सुबह घर में घुसे बदमाश, बाथरूम में ले जाकर कई वार किए। जयपुर में रविवार सुबह 108 साल की बुजुर्ग महिला के पैर काटकर बदमाश चांदी के कड़े लूट ले गए। बाथरूम में दर्द से कराह रही बुजुर्ग महिला को बेटी ने पड़ोसियों के मदद से एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। गलता गेट थाना पुलिस स्टेशन एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए गए हैं। पुलिस को मौके पर ही पैर काटने के हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगोल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मीना कॉलोनी गलता गेट निवास जमुना देवी 108 वर्षीय अपनी बेटी गोविंद और पोती ममता 22 वर्षीय के साथ रहती थी। सुबह करीब 5 बजे वह घर में बैठी थी। इस दौरान घर में घुसे बदमाशों ने उनको पकड़ लिया और पैर काट कर उनके चांदी के कड़े लूट ले गए। बाथरूम में उन्हें दोनों पैरों को काट कर चांदी के कड़े निकाल लिए। दर्द से कराहती बुजुर्ग महिला को तड़पता छोड़कर बदमाश फरार हो गए। जयपुर में सड़क के गड्ढे में डूबकर युवक की मौत। 15 फीट रोड खोद कर बैरिकेड लगाना भूल गया JDA, तीन बच्चों को अनाथ कर गई लापरवाही। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। सड़क का 15 फीट गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया। यह गड्ढा एलिवेटर रोड का पिलर डालने के लिए खोदा गया था। यमुनानुसार गड्ढे की जगह पर चारों ओर बैरिकेड लगाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया। उधर से गुजर रहे एक युवक का पैर फिसल गया और गहरे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। रविवार सुबह युवक का शव गड्ढे में बरामद हुआ। मामला जयपुर के होटवाड़ा इलाके का है। फैक्ट्री से काम कर जा रहा था घर। ACP झोटवाड़ा प्रमोद स्वामी ने बताया कि गड्ढे में गिरकर मददगार 40 वर्षीय पुत्र जगन्नाथ की मौत हो गई है। वह जमुनापुरी मूलपुरी का रहने वाला था। वह झोटवाड़ा इलाके में ट्रायलर मॉल में 200 मीटर दूरी पर स्थित शुगर मिल में काम करता था। शनिवार रात को फैक्ट्री से छुट्टी होने पर रोज की तरह पैदल पैदल घर जा रहा था। ट्रायलर मॉल के पास निकलते समय उसका पैर फिसल कर एक गड्ढे में गिर गया। 15 फीट गड्ढे में गिर गया। यह गड्ढा 20 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा। गड्ढे के बाहर किसी तरह की बैरिकेड नहीं लगाई थी। शुक्रवार को हो रही बारिश के कारण गड्ढे में पानी भर गया। उसी में डूबकर मदन की मौत हो गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईक्यूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दोस्तों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।